क्राइम रिपोर्टर दिल्ली क्षेत्र का पचड़ा बॉर्डर पे है। यहाँ युवाओं ने जो संदेश दिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, देखने लायक था, जोश था, जज्बा था। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी सिविल डिफेंस के जवानों को मेरी तरफ से सलाम। आप देख रहे हैं इस रूपरेखा को किस तरह अंजाम दिया गया है। एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना देश में मौजूद है और इन जवानों ने, जिनको आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव, बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्षेत्रवासी हो, परदेशी हो या देश से बाहर के लोगों को, इन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से ट्रीट किया और उनकी मदद की। जवानों का हौसला देखने लायक है। दिल्ली पुलिस से भी ज़्यादा बढ़कर नौ जवानों ने जोश और जज्बा दिखाया। कोरोना महामारी में संदीप सर हमारे बीच में मौजूद हैं, जो इनको गाइड करते हैं किस तरह से इस महामारी में लोग, किस तरह इन्होंने उस समस्या को सोल्व करना है। संदीप सर, क्या संदेश देंगे आप नौजवानों के लिए? जैसे कि जिस दिन से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन की घोषणा की, उस दिन से हमारे जवान पर, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे वो देख रहे लोगों को स्कूलों में उनको आश्रित करना हो, चाहे भूखे लोगों को भोजन खिलाना हो, या प्रशासन के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखना हो, हमारे जवानों ने दिन रात बढ़ चढ़कर से भागीदारी की। और इसके साथ साथ आज देश के अंदर दिल्ली सबसे ऐसा एक इकलौता राज्य है जो सबसे प्रथम स्थान पर है, जहाँ पर कोरोना के मामले में रिकवरी रेट हमारा सबसे अच्छा है। और इसके अलावा मैं अपने जवानों में यही संदेश दूंगा कि आप तन मन से मेहनत करें और साथ ही साथ आगे अपने देश के लिए अच्छा काम करें। संदीप सर, आपके पास जितने भी जवान हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे और तंदुरुस्त और मजबूत हैं, जिन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर कोरोना महामारी में आपका साथ दिया। आपके सामने कोई ऐसा वाक्य भी आया जब आपको थोड़ा सा झुकना पड़ा हो प्रशासन के सामने, कोई समस्या आई हो? नहीं, ऐसी हमारी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आएगी है तो हम उसको, हमने बहुत ही छोटी मोटी चीज़ मान के नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे DM साहब, ADM साहब, SDM साहब और हमारे तमाम नागरिक सुरक्षा के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ 24/7 बने हुए थे, जिस वजह से हमें छोटी मोटी दिक्कतें जो भी आई उन्होंने तुरंत उसी टाइम सॉल्व किया। हम अपने प्रशासन के सभी अधिकारियों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया ताकि हम देश में ये काम कर सकें। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा, नागरिक सुरक्षा डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको दुनिया में चौथी फोर्स का दर्जा भी दे रखा गया है, पर ये डिपार्टमेंट वॉलेंट्री सर्विस पर ही आधारित है। और जब भी देश के अंदर एमरजेंसी होती है तब ये डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी लेता है, और बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे आपदा हो, चाहे युद्ध हो, उसमें इसको हम सफल होते हैं। शुक्रिया, कितने अच्छे जोश और जज्बे के साथ हमारे सामने सिविल डिफेंस के जवान मौजूद हैं। इन्होंने किस तरह एक महान कोरोना महामारी को जो है अभी भी रोके हुए है, थामे हुए है, दिल्ली को नंबर 1 पे ला दिया है कोरोना महामारी। जो दाव को जितना भी एक्सेप्ट किया जाए उतना कम है। मैं कोशिश करूंगा अपने AST न्यूज के द्वारा इनको सम्मान की व्यवस्था बनाई जाए, इनको एक सर्टिफिकेट अपने चैनल की तरफ से मुहैया कराया जाए, जल्दी सूचना सर को दी जाएगी। संदीप सर का धन्यवाद। AST न्यूज के लिए मनोज कुमार, DC लैंड का पटेला।